एक आदमी जंगल से जा रहा था, सामने से शेर आते देखा तो सांस रोककर वहीं लेट गया। शेर भी बड़ा शातिर था, पास आके कान में बोला, बेटा तुम इंसानों को करोना हो रहा है, वरना तेरी होशियारी भी यही निकाल देता यहीं पे। वेलकम बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक जो है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नहीं सॉरी, ये तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं। हां जी, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको फिर से पढ़ाने जा रहा हूं। क्या करेंगे उसमें, हल्की सी मॉडिफिकेशंस कर देंगे, देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर और पहले वाले डेरिवेशन में? अब देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। देखिए, ये सांप वाप से कौन बना देता है बोर्ड पे? ये आपके पास इंसुलेटेड प्लेट है, इसको हमने चार्ज दे दिया बैटरी की सहायता से और यहां पर इंड्यूस हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव वाले तो धरती माता में समा चुके हैं। अगर मैं इसके बीच में रख दूं एक कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग का मतलब हुआ एक कंडक्टर की, और आप लोगों को याद होगा बच्चों मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो और पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। आपको बताया गया था कि E equals होता है माइनस का dV/dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब हो गया डीवी जीरो है, डीवी का मतलब जीरो होने से हो गया वी बराबर कांस्टेंट। ये आपको बताया गया था, इसका मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पर पोटेंशियल के जीरो होने के चांसेस नहीं है, वहां पर वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कि यहां वाले हिस्से में ये है आपके पास कंडक्टिंग स्लैब, क्या है ये? कंडक्टिंग स्लैब, जोर से बोलो कंडक्टिंग स्लैब, शाबाश। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। ऐसा इसलिए होगा कि एक तो ये कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर है, तो होता क्या है आपके पास कि आपने पढ़ा था इस पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज होंगे इंड्यूस, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे इस किनारे पर, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। इसका मेन रीजन ये भी होता है कि यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे इंड्यूस होंगे इस तरफ, मैं बनाई देता हूं तुम लोग मानने वाले तो होनी, मैं बनाई देता हूं तुम लोग मानने वाले तो होनी, तो इस बाहर वाले पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और इस पर जब इंड्यूस हुए तो इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जितनी इस डायरेक्शन में गई उतनी ही इस डायरेक्शन में गई, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो, बाहर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड बची रह जाएगी, तो यहां वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारे पास जीरो। अब देखते हैं, ए हमने क्या मान लिया, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये डी हमने क्या मान लिया, इस प्लेट से इस प्लेट तक का सेपरेशन, टी हमने मान ली थिकनेस ऑफ द क,
कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट बोल दो या फिर स्लैब बोल दो। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हिस्से में बची, पहले तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हिस्से में रह गई है, इतने हिस्से में तो बची नहीं है, तो ये पूरा था d, इसमें से घटा दिया t, तो बचा क्या रह गया d माइनस t। हम यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्फाइंड अप टू d माइनस t। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कितने हिस्से तक बची रह गई है, वो है बच्चों d माइनस t। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि v बराबर होता है e इंटू डी, या ऐसे समझो e बराबर होता है v अपॉन में d। तो d को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर मिल जाएगा e इंटू डी। लेकिन यहां पर d की जगह हम क्या लेंगे, पूरे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल d माइनस t में। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज ना करके v इक्वल्स टू e d माइनस t यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकलेगा इस वाले रीजन में, आपको पता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये मिलकर बन जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो आप लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हो। सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन में ए, साथ में एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, ये आपके पास निकल के आया पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। आपको निकालनी है कैपेसिटेंस की वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q अपॉन में V, और आप यहां पर जानते हैं C की वैल्यू, Q हमने जो दिया था इसको छोटा Q दिया था, और V की वैल्यू अगर हम यहां से पुट कर दें तो Q और D माइनस T, Q इंटू D माइनस T, और साथ में होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, तो C की वैल्यू हो गई Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A फुदक कर वो चला गया ऊपर और D माइनस T आ गया नीचे। ये आपके पास बच्चों निकल के आई कैपेसिटेंस। आप लोगों को ध्यान होगा एयर वाले कंसेप्ट में जब बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी, उस कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटेंस निकल के आया करती थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये आती थी आपके पास जब कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, बोलो। कंडक्टिंग स्लैब होने के बाद डी माइनस टी, भाई ये नंबर बड़ा होगा या ये नंबर बड़ा होगा, भाई अगर सपोज करो डी की वैल्यू हमने ले ली 5 और टी ले लिया 2, तो 5 में से 2 गया, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 5, तो ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है। अब सपोज करो मेरे पास दो नंबर हैं, 12 अपॉन में 2 और 12 अपॉन में 3, ऊपर वाला नंबर दोनों में सेम है लेकिन जिसमें छोटा है डिनोमिनेटर ये आएगा बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है ये आएगा छोटा, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पूरी कैपेसिटेंस बड़ी मिलेगी, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है बच्चों तो इसकी कैपेसिटेंस छोटी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई कंडक्टिंग स्लैब पुट करता हूं, अगर मैं कोई कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करता हूं बिटवीन द प्लेट्स, उससे हमारे पास हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि ऑन प्लेसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब, On placing a conducting slab between the plates of a parallel plate capacitor, between the plates of a parallel plate capacitor, अगर हम parallel plate capacitor की plates के बीच में अगर कोई conducting slab रख देंगे, the capacitance will increase, इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारे पास बढ़ जाएगी। क्लास पसंद आई हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसी डेरिवेशन को फिर से, लेकिन इस बार हम रखेंगे
कंडक्टिंग स्लैब की जगह एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, और देखेंगे फटाफट वहां पर भी क्या होता है। टिल देन सुरक्षित रहिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।